रूस जैसे ताकतवर और आधुनिक हथियारों से संपन्न देश से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन की हालत गंभीर है। उसे अपने सहयोगियों की मदद की तत्काल और सख्त जरूरत है, तभी यूक्रेन का अस्तित्व रह पाएगा। यूक्रेन को मदद की जगह सहयोगियों से झटके पर झटका मिल रहा है। यूक्रेन को अब जर्मनी के बाद ब्रिटेन से एक तगड़ा झटका मिला है। कुछ समय पहले जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने में सक्षम टॉरस क्रूज मिसाइल देने से मना कर दिया गया। अब ब्रिटेन ने यूक्रेन में सेना भेजने से मना कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन की यूक्रेनी सैनिकों के साथ मिलकर रूस से लड़ने के लिए सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने पूर्ण सैन्य तैनाती से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन की यह टिप्पणी तब आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फरवरी के अंत में कहा था कि वो यूक्रेनी धरती पर नेटो सैनिकों की अंतिम उपस्थिति से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। उन्होंने रूस को शत्रु बताया था, लेकिन ये भी स्पष्ट किया था कि फ्रांस रूस के खिलाफ किसी भी तरह का युद्ध नहीं छेड़ेगा। मैक्रों के बयानों के बाद हाल ही में एक रूसी जासूस ने खुलासा किया कि फ्रांस यूक्रेन में सेना तैनात करने की तैयारी में है, जिसमें लगभग 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। इस खुलासे पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि जब विदेशी धरती से इतने ताबूत फ्रांस भेजे जाएंगे तो सैनिकों की सामूहिक मौतों को छिपाना असंभव होगा। दूसरी तरफ नेटो के सदस्य देशों ने भी कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने की उनकी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी नेतृत्व वाले इस गुट ने कहा कि वो युद्ध में एक पक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन जब जरूरत होगी तो हथियारों और धन के साथ यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। अब यूक्रेन के सहयोगी रूस की धमकियों से अपने कदम पीछे हटा रहे हैं या उनकी अपनी अपनी आर्थिक और सामरिक मजबूरियां हैं जो उन्हें यूक्रेन की मदद से रोक रही हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन रूस जिस तरह से आक्रामक है, उस स्थिति में यूक्रेन बिना ठोस मदद के लंबे समय तक युद्ध के मैदान में टिके नहीं रह पाएगा।